तो हे गाइस, आपका मेरे चैनल वंश द ऑलराउंडर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। और मैं वैसे काफ़ी टाइम के बाद एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वैसे मैं शॉर्ट्स ही अपलोड कर रहा था काफ़ी टाइम से, पर आज काफ़ी टाइम के बाद मेरे को वक्त मिला है, तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो और एक फुल वीडियो। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मेरे न्यू कलर्स की। तो गाइज, आज जो मैं ये कलर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, ये है कलर पेंसिल्स 120 शेड्स फ्रॉम कैसल आर्ट्स। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए इसकी अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं। तो गाइज, ये रहे वो कलर्स, देख सकते हैं गाइज इसका डब्बा कितना बड़ा है, किसने पूरा मतलब स्क्रीन ही घेर लिया है। तो इसे अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे पहले मैं कौन से कलर्स यूज़ करता था। तो इससे पहले मैं ये यूज़ करता था, डॉम्स के 24 शेड्स ये कलर पेंसिल्स में यूज़ करता था। पर अब गाइज ये आ गए हैं, तो अब मैं इसे यूज़ करूँगा और फिर मैं इससे कुछ ड्राइंग्स भी बनाऊँगा, तो उसकी भी वीडियोस में डाल ही दूँगा शॉर्ट वीडियो में। तो गाइज, ये रहा आपके सामने इसका बॉक्स, काफ़ी अच्छा सा बॉक्स है, इसका टिन का बॉक्स है पूरा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो चलिए गाइज, अब इसे ओपन करते हैं। तो गाइज, ये डब्बा खुल गया है, तो अब मैं आपको इसके पहले ऊपर का दिखा देता हूँ, इसके ऊपर क्या लिखा है। तो यहाँ पे कैसल आर्ट्स की ब्रांडिंग है और यहाँ पे लिखा है आई एम ए कैसल आर्टिस्ट, और यहाँ पे और भी कुछ लिखा है क्योंकि ये मैंने काम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पे कुछ कैसल के बारे में आपको देख सकते हैं वो दी हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे कलर्स के नाम लिखे हुए हैं और सारे कलर्स यहाँ पे मार्क भी हैं और सारे कलर्स के नंबर भी दिए हुए हैं ताकि हमें ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ऊपर तो यही सब है और यहाँ लिखा हुआ है 120 कलर्स, तो ये पूरे 120 कलर्स हैं, सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो अब हम अपने मेन कलर्स की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर एक ही गाइड मिल जाती है कलर्ड पेंसिल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है सब कुछ कि कलर्ड पेंसिल्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसे मैं बाद में पढ़ लूँगा। और यह है कलर एंड प्रोडक्ट गाइड, इसमें इनके प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ है, ये किसी काम का नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है तो मैं साइड में रख देता हूँ। और ये है एक कलर्ड पेंसिल का ट्यूटोरियल इन 5 स्टेजेस, तो इसमें बताया हुआ कलर पेंसिल को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसे भी बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले इसके बाद हमें मिल जाती है ये 120 कलर पेंसिल की टेस्टर शीट, देख सकते हैं इसके ऊपर पूरे सारे कलर्स बने हुए हैं, तो इसके अंदर हम टेस्ट करके भी देख लेंगे बाद में कलर्स को, तो इसे भी अभी मैं साइड में रख देता हूँ। और अब फाइनली हम आ गए हैं अपने कलर्स की तरफ, तो अब मैं इसे हटा लेता हूँ। तो गाइज, ये रहे हमारे कलर्स। तो आप कह रहे हो कि 120 तो है नहीं, तो गाइज इसके नीचे भी हैं, ये सिर्फ एक वो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वो है इसका सेट, ये दूसरा सेट है, और ये तीसरा सेट है। ये देख सकते हैं बस तीन ही सेट है इसके अंदर, मेरे को लगा और भी हैं। तो चलिए गाइस, अब कुछ कलर्स को मैं देख लेता हूँ कि कैसे हैं। तो अब गाइस इन्हें एक बार निकाल के देख लेता हूँ मैं, किसी कलर को फिर से निकाल लेते हैं, पहले इस वाले को निकाल लेते हैं, येलो को। तो ये कलर का नाम भी ये देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड फोकस।
तो गाइज ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेमन येलो लाइट और ये फर्स्ट कलर 001 कैसल आर्ट्स की ब्रांडिंग है और यहाँ पे लिखा हुआ सॉफ्ट टच। इसके एक और भी तरह के आते हैं शायद कुछ गोल्ड नाम है उसका ऐसी कुछ है, तो ये सॉफ्ट टच वाले हैं मेरे पे। तो ये हैं कलर्स। और अब एक बार मैं इसका कंपैरिजन कर लेता हूँ डॉम्स वाले के साथ जो कि मैं अभी तक यूज़ करता आ रहा था। तो एक सेकेंड, तो गाइज ये हैं डॉम्स के, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि इन दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है। तो ये रहा हमारा कैसल आर्ट्स का और ये रहा हमारा डॉम्स का। तो गाइज देख सकते हैं डॉम्स का जो कलर है वो थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा लंबा है इससे, देख सकते हैं हाइट में थोड़ा सा ज़्यादा इससे लंबा है, बट क्वालिटी में ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है डॉम्स से। तो अब हम इसकी एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं इसके साथ जो ये शीट मिली है, इसके साथ ये जो शीट मिली है इसके ऊपर अब हम एक बार इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो पहले हम ढूंढते हैं कि इसमें येलो कलर है कहाँ पे। ओके गाइस तो मुझे मिल गया है फाइनली, काफ़ी देर ढूंढना पड़ा। तो ये है हमारा कलर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से देख सकें। तो ये रहा लेमन येलो लाइट 001 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं इसे चला के देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि मुझे क्या डिफरेंस फील हो रहा है इसमें और डॉम्स में। तो ये तो वैसे मैंने इसे यूज़ करके देख लिया है और वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो फील हो नहीं रहा है। तो एक बार कोई और कलर ट्राई करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा देख सकते हैं ना लाइट कलर है, तो एक बार कोई डार्क कलर भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो गाइज अब मैंने ये वाला कलर ले लिया है, तो ये है पर्पल लेक डीप, तो ये एक डार्क पर्पल टाइप सा है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। तो गाइज ये रहा मुझे पर्पल लेक डीप मिल गया फाइनली, बहुत टाइम लग रहा है ऐसे कलर्स को ढूंढने में। तो ये मैंने यूज़ कर लिया पर्पल लेक डीप। तो गाइस सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं एक और कलर यूज़ करने वाला हूँ, अब मैं कोई रेड का शेड यूज़ करने वाला हूँ, तो चलिए वो भी एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो गाइस अब मैं ये यूज़ करने वाला हूँ और ये कलर का नाम है स्कारलेट रेड 022। तो अब इस वाले कलर को ढूंढते हैं। तो ये रहा, ये जल्दी मिल गया मेरे को 022 स्कारलेट रेड। तो अब इसे यूज़ करके देखते हैं। तो काफ़ी ब्राइट है गाइज ये वाला कलर, और इसके सिर्फ ये वाला कलर नहीं सारे कलर्स काफ़ी ब्राइट लगे मेरे को, ये भी और ये भी और ये वाला, खासकर रेड ये काफ़ी ब्राइट है। तो अब अगर मैं आपको इसके डिफरेंस की बात बताऊं डॉम्स वाले और इन कलर्स के बीच में, तो वैसे डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं है, बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसकी थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा हाई है। आप इसे पकड़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से फील होगा, ये थोड़ी सी मैट फिनिश है इसके ऊपर और इसके जो कलर्स हैं थोड़े ज़्यादा ब्राइट हैं, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर किसी को ड्राइंग करनी हो तो वो उससे भी कर ही सकता है डॉम्स से भी, जैसे कि मैं अभी तक कर ही रहा था, पर अब ये है तो इससे बंदे को ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है कलर में। वैसे उसमें सिर्फ 24 शेड्स ही आते हैं डॉम्स में, तो उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आपको कलर की, लेकिन इसमें आपको वैरायटी ज़्यादा मिल जाएगी। तो बस ये इतना ही था, अभी मैं टेस्टिंग में इसकी इतनी ही करने वाला हूँ। सो ओके गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो गाइस इसको मैंने आपको टेस्ट भी करके दिखा दिया है, अब मैं सारे कलर्स टेस्ट करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने आपको बस तीन कलर्स टेस्ट करके दिखा दिए। मेन मकसद था मेरा आपको बताना कि ये कलर्स कितने अच्छे हैं,
और इसका अगर आपको ख़रीदना है तो गाइज़ मेरे से मत पूछिएगा, क्योंकि मैंने ये जो है मेरे को एक मेरे एक रिलेटिव ने गिफ्ट किया है, तो मुझे इसका ना ही प्राइस पता है और ना ही मुझे पता है कि इसे कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो गाइज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कलर्स कैसे लगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं इससे काफ़ी ड्राइंग्स बनाऊंगा और शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आप देखना ज़रूर से। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।